अमेठी से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया और मान की फर्जी मुकदमे कांग्रेस के नेताओं पर लगाए गए वापस ले। बात करते हैं हम अमेठी की, जहां लॉकडाउन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में सांकेतिक धरना का प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बताते चले कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए कांग्रेस महासचिव व प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा मंगवाई गई बसों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिए जाने का विरोध करने पर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच कांग्रेस नेता राजू ओझा की अगुवाई में बुधवार को कांग्रेसियों ने पेट्रोल टंकी पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की। अजय लल्लू को रिहा करो, फर्जी मुकदमे वापस लो, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी चलेगी लिखी तख्तियां लेकर बैठे कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के विरोध में नारेबाजी की कि कांग्रेसियों का कहना है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द रिहा नहीं किया गया तो इसे लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूपी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो 1000 बसें यूपी गवर्नमेंट के लिए दी थी, वो बसें न लेके हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू को जिस तरह से योगी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला है, उसका हम लोग खुलकर विरोध करते हैं। आने वाले समय में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इससे ज़्यादा और विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे। योगी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि क्या मजलूमों और गरीबों की आवाज़ उठाना गलत है? अगर गलत है तो हम लोग गलत हैं। योगी सरकार, जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य और कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को जिस प्रकार राजनीतिक विद्वेष में, गरीबों की सेवा करने के लिए जिस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष में योगी सरकार ने उनको जेल के अंदर डालकर उनके राजनीतिक वजूद का हनन कर रही है, वो अत्यंत ही दुखद है। इसके खिलाफ आज अमेठी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से बैठकर धरना दिया और सरकार से अपील की है उनके ऊपर से फर्जी मुकदमे हटाकर उनको रिहा किया जाए और उनके अपने क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए उनको जनता के बीच में छोड़ा जाना चाहिए।